सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की कथित रूप से संलिप्तता के आरोप में क्लीन चिट दे दी। इसके बाद शीर्ष अदालत के आदेश पर गुजरात की एंटी टेररिज्म यूनिट ने एक्टिविस्ट तिस्ता सितलवाड़ और एक पूर्व आईपीएस अफसर को हिरासत में ले लिया। उन्हें हिरासत में लिए जाने के एक घंटे पहले अमित शाह ने ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि तिस्ता ने अपने NGO का इस्तेमाल कर भाजपा पर झूठे आरोप लगाए। इस दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर तिस्ता सितलवाड़ के परदादा चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़ को लेकर एक दावा किया जाने लगा। आरोप लगाया गया कि चिमनलाल सितलवाड़ हंटर कमीशन का हिस्सा थे और उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार में जनरल डायर को क्लीन चिट दी थी। ये कहते हुए यूजर्स तिस्ता के परिवार पर देश से विश्वासघात करने का आरोप लगा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने भी ये दावा ट्वीट किया। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर वीकली, पत्रकार निशांत आजाद, भाजपा समर्थक पोर्टल ऑफ इंडिया हिंदी के सीनियर सब एडिटर अनुपम सिंह समेत कई यूजर्स ने ये दावा ट्वीट किया। ये दावा फेसबुक पर भी वायरल है। तो क्या वाकई में जलियांवाला नरसंहार में तिस्ता के परदादा चिमनलाल सितलवाड़ ने जनरल डायर को क्लीन चिट दी थी? ऑल्ट न्यूज ने जांच के दौरान ये दावा गलत पाया। इस दावे की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने इतिहास के पन्ने झांके। 1991 की डेरेक सेयर की किताब ब्रिटिश रिएक्शन टू द अमृतसर मैसेकर में इस घटना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू पर बढ़ रहे दबाव के बाद हंटर कमीशन बनाया गया था। एडविन मोंटेगू ने मुंबई, दिल्ली और पंजाब में हुई घटनाओं की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। 14 अक्टूबर 1919 को इस इंक्वायरी कमेटी की घोषणा हुई थी। इस कमेटी को बाद में इसके अध्यक्ष लॉर्ड विलियम हंटर के नाम से हंटर कमीशन के रूप में जाना जाने लगा। 8 मार्च 1920 के इस खत में कमेटी के सदस्यों के नाम बताए गए हैं, जिसमें चिमनलाल हरिलाल सितलवाड़ का नाम भी शामिल है। यानी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि चिमनलाल सितलवाड़ हंटर कमीशन का हिस्सा थे। ये बात ब्रिटिश रिएक्शन टू द अमृतसर मैसेकर में भी बताई गई थी। किताब में लिखा है कि कमीशन की रिपोर्ट के दो हिस्से थे। एक मेजोरिटी रिपोर्ट में 5 ब्रिटिश सदस्य थे, जबकि माइनॉरिटी रिपोर्ट में 3 भारतीय सदस्य थे, जिसमें चिमनलाल सितलवाड़ भी शामिल थे। ऑल्ट न्यूज ने ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए एक प्रोफेसर से संपर्क किया। उन्होंने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि मेजोरिटी रिपोर्ट में जनरल डायर के लिए उदारता दिखाई गई थी, जबकि माइनॉरिटी रिपोर्ट में जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर को बरी करने के खिलाफ असहमतिपूर्ण कमेंट किया गया था। किताब के चौथे चैप्टर में माइनॉरिटी सदस्यों ने प्रखरता से जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार की आलोचना की है। माइनॉरिटी सदस्यों ने इस नरसंहार की तुलना फ्रांस और बेल्जियम में जर्मन द्वारा किए गए अत्याचारों से की थी। इस रिपोर्ट में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर की आलोचना करते हुए कहा गया था कि उनके विचार भी जनरल डायर जैसे ही थे। जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार पर प्रमुखता से काम करने वाले और पीड़ितों के बयान लेने वाले VN दत्ता की किताब जलियांवाला बाग अ ग्राउंड ब्रेकिंग हिस्ट्री ऑफ द 1990 मैसेकर में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि माइनॉरिटी रिपोर्ट में डायर के एक्शन की प्रमुखता से आलोचना की गई है। लेखक अनिता आनंद ने भी अपनी किताब में बताया है कि हंटर कमीशन ने माना था कि डायर ने अपने अधिकारों की सीमाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन माइनॉरिटी सदस्यों ने फाइनल रिपोर्ट में दस्तखत नहीं किए थे और उन्होंने अपनी एक अलग रिपोर्ट जारी की थी। किताब के मुताबिक डायर को सेना से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था और उनका CBE के लिए किया गया रिकमेंडेशन भी वापस ले लिया गया था। कुल मिलाकर हंटर कमीशन में शामिल भारतीय सदस्यों ने जनरल डायर के खिलाफ सख्ती से रिपोर्ट पेश की थी। हालांकि जनरल डायर को उनके किए की सख्त सजा नहीं मिली, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि भारतीय सदस्यों ने डायर के खिलाफ नरमी से पेश आकर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।